तोता एक ऐसा पक्षी होता है जो हम इंसानों की नकल करने में माहिर है और इसलिए नेट पर इसकी वीडियोस वायरल होती रहती है। पर क्या आपको पता है कि हमारे पहाड़ों में भी एक ऐसा ही पक्षी बसता है जिसको हम कॉमनली पहाड़ी मैना या हिल मैना के नाम से जानते हैं। यह मैना भी नकल करने में माहिर होती है और हम इंसानों की आवाज़ निकालने में भी ये तोतों से पीछे नहीं रहती। आज की इस वीडियो में हम आपको इस पक्षी की आवाज़ भी सुनाएंगे और आपको बताएंगे इस मैना के बारे में वो सब कुछ जो आपको जानना चाहिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहाड़ी मैना का वैज्ञानिक नाम ग्रैकुला रिलिजियोसा है। चमकीले काले रंग, नारंगी चोंच और पैरों के साथ में इस पक्षी को आसानी से पहचाना जा सकता है। ये एक सामाजिक परिंदा है, मतलब इसको झुंड में रहना बहुत पसंद है। ये छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी है और भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने के साथ साथ ये नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड आदि देशों में पाए जाते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि ये पक्षी इंसानों की हूबहू नकल आसानी से कर सकने में सक्षम है, तो सबसे पहले आपको इसकी यही काबिलियत दिखाते हैं। आपने देखा होगा कि ये कितनी अच्छी तरह से हम इंसानों की मिमिक्री कर सकता है, पर इसकी यही काबिलियत इसकी दुश्मन साबित हुई। इंसानों की तरह बोलने के कारण इसका अवैध व्यापार शुरू हुआ, जिसके कारण इसकी संख्या लगातार घटती गई। हालांकि वनों का कटना एवं शिकार भी इसकी घटती संख्या का एक प्रमुख कारण है, पर आज इस पक्षी को संरक्षण की बहुत ज़रूरत है। इसके संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कई प्रयास किए हैं, जिसके लिए लाखों रुपये खर्च हुए, पर अब भी इस पक्षी की संख्या ज़्यादा नहीं बढ़ पाई है। आपकी क्या राय है इस टॉपिक पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ में।